अब छत डालने वाली जो पार्टी आएगी उनके खाने पीने की व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी। मिस्त्री का अनुमान तो है इस वाली छत में लगभग 120 कट्टे सीमेंट के लगेंगे। अभी टाइम बहुत हो गया है तो अब इनके साथ ना हम भी थोड़ा बहुत तगार बनाने में मदद करते हैं। काम कंटिन्यू चलता रहे इसके बाद ना लगभग 9 या 10 बजे के आसपास तक छत पड़ जाएगी। अभी भाई जी के हाथ में ना लेंटर डाल के अभी सीमेंट से जल गया थोड़ा सा। चलिए जी, आज सुबह सुबह बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बाहर एकदम नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है और ठीक सामने बर्फीली पहाड़ी बड़ी सुंदर सी लग रही है अभी सुबह के टाइम पे। चलिए आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत भी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं और आज हमारे इस वाले घर में ऊपर छत पड़ने वाली है, तो देखते हैं भाई थोड़ी देर में जो छत डालने वाली पार्टी है वो भी आने वाली होगी घर में। अभी यहाँ ऊपर छत में लाइट फिटिंग का थोड़ा सा काम बचा हुआ है यहाँ आगे की तरफ। जब तक छत डालने वाली पार्टी यहाँ घर तक पहुँचती है तब तक ये वाला काम भी हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा आगे आगे ही बचा हुआ है। बाकी सुबह के टाइम पे देखो भाई, ये पूरा हमारा रांची गाँव बड़ा सुंदर लग रहा है अभी। और माँ सुबह सुबह चाय यहीं छत में लेकर आ गई है। हमारे गांव में जब किसी के घर की ऐसी छत पड़ती है तो उस दिन ना पूरे गांव वाले आते हैं और वो वाला काम उस दिन पूरा मदद में ही होता है। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि काफ़ी बड़ा छत है और इसलिए बाहर से ही पार्टी बुलाते हैं। तो पार्टी आ रही है श्रीनगर गढ़वाल से, लगभग सुबह के 3 बजे वो वहाँ से निकल गए थे और अभी यहाँ पे पहुँच जाएंगे 7-7:30 बजे के आसपास। अब घर के यहीं पास में हमने चूल्हा लगाया है तो यहाँ पर खाना पीना बनेगा। अब छत डालने वाली जो पार्टी आएगी उनके खाने पीने की व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो दिन भर लगे रहेंगे काम पे। तो अभी सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता बनाना है और फिर दिन में खाना भी बनाना है। और यहाँ पे भैजी लगे हैं सुबह सुबह छोले बनाने पे। नाश्ते में छोला बनना है, रोटी बनेगी, पूरी और सूजी। चलो भाई, अभी छोले भी बनकर तैयार होने वाले हैं, थोड़ा उबलेंगे और इसके बाद बनानी है हमें सूजी। चलो भाई, अभी छत डालने वाली पार्टी भी आ गई है, मसाला बनेगा इस वाली जगह पे। और सबसे ज़रूरी काम है अभी यहाँ इस वाली जगह से सीढ़ी बनाना ऊपर के लिए क्योंकि मसाला यहीं से चढ़ाया जाएगा ऊपर मंजिल में। अभी यहाँ पर एक यूनिक सी चीज़ दिखाई दे रही है भाई जी ने, जो बेलचा खींचने की रस्सी है वो खुद ही सीमेंट के कट्टे से बना रहे हैं। नायलॉन की नहीं लगाती इस पर? अच्छा, इसका नहीं बनेगा। अब इनका कहना है कि नायलॉन की जो रस्सी होती है ना तो उससे हाथ पे जल्दी छाले पड़ जाते हैं। अब ऊपर छत में बीच बीच में जहाँ पर भी थोड़ा बहुत गैप होगा वहाँ पर ऐसे गत्ते लगाने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उन जगह से मसाला बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अच्छी बात यह है कि आज मौसम साफ है, बढ़िया तेज़ धूप लगी है। अब ऐसे काम के लिए मौसम का साथ होना बहुत ज़रूरी है भाई। और अभी यहाँ पे सुबह सुबह अंशु भी आ गया। अब मिस्त्री का अनुमान तो है इस वाली छत में लगभग 120 कट्टे सीमेंट के लगेंगे, देखते हैं भाई कितने लगते हैं। श्योर है 120? अच्छा, यहाँ छत में लाइट फिटिंग का थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है, बाकी यहाँ नीचे लगे हैं काम पे वाले भी मसाले को अच्छे ढंग से रालने पे। और साथ ही साथ यहाँ से ना सीढ़ी भी बना रहे हैं ऊपर के लिए। वैसे हम लोग सीढ़ी कल भी बना सकते थे लेकिन जो छत डालने वाले हैं वो अपने हिसाब से जहाँ उन्हें सुटेबल लगता है उस हिसाब से सीढ़ी बनाते हैं, तो अभी लगे हैं। जैसे सीढ़ी बन जाएगी तो उसके बाद काम भी स्टार्ट हो जाएगा फटाफट। अब आज खाना बहुत लोगों के लिए बनेगा तो यहाँ पे चाची जी, भाभी जी, नीसी, बोबा सभी लोग लगे हैं यहाँ पे रोटी बनाने पे। और ये इधर साइड दोनों पुप्पू जी लगे हैं सूजी बनाने पे। अभी सीढ़ी बनाने के लिए कुछ फट्टे की जरूरत थी तो यहाँ पर कुछ 2-4 फट्टे मिले हैं और यहाँ अंदर एकदम मिट्टी मिट्टी हो रखी थी तो सारे जो भी फट्टे थे उनमें बहुत मिट्टी लगी हुई है। कुछ तो अभी हमने ये यहाँ पर धो के रख दिए हैं, इन पे ना बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, लगभग सीढ़ी आधी बन गई है यहाँ तक। अब यहाँ से ऊपर के लिए बनानी है। अब आज मसाला बनाने के लिए पानी की बहुत सारी ज़रूरत होगी और अच्छी बात यह है कि हमारे घर के पास में जो धारा है ना वहाँ पे खूब सारा पानी आ रहा है तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वाली जगह पे मसाला बन रहा है और यहीं पास में देखो भाई धारे में खूब सारा पानी है। अब पानी का अच्छे ढंग से फ्लो बना रहे इसलिए हमने यहाँ से मोटर भी लगा दी है। मसाला तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, सीढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। यहाँ तक तो अभी सीढ़ी बन गई है लेकिन ये ऊपर वाली सीढ़ी ना एकदम खड़ी हो रही है तो इसके अच्छे से व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुबह के अभी 9:30 हो गए हैं, मुझे लगता है सीढ़ी बनाते बनाते 10 बजे तक ही लेंटर का काम शुरू हो पाएगा। अब
थोड़ी देर में बस छत का काम शुरू होने वाला है और हमारे यहाँ पे कोई भी काम शुरू करते हैं तो पूजा जरूर से करते हैं। ठीक, अभी 10:41 हो रहे हैं, छत पड़ने का काम भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मसाले की पहली जो परात है, तसला है, वो भी पड़ चुका है। ऊपर छत पड़नी स्टार्ट हो गई है, एक को यहाँ नीचे ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ये टेक ढीले ना हो। अब जो भी काम पे वाले आए थे उनको भी नाश्ता करवा दिया है और बाकी आज नाश्ते में सूजी रोटी और साथ में छोले बने हुए थे। छोटे मोटे काम हमें ही देखने हैं, बस जो लेंटर डालने वाले हैं उनको टाइम पे मटेरियल पानी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे सुबह से अंशु और कैलाश भी लगे हैं पूरा सहयोग देने पे। और कल इस पैर में पत्थर पड़ा था तो ये पूरा अभी भी देखो इसमें सूजन आ रखी है। चलने में ना अभी बहुत दिक्कत हो रही है, पूरा बॉडी वेट मैं उस पर डाल ही नहीं पा रहा हूँ। दिन के अभी 12:30 हो रहे हैं, यहाँ पे 2 तगार बनाई थी, 1 तगार तो अभी समाप्त होने वाली है, ये वाली अभी कुछ देर बाद स्टार्ट होगा इसका काम। अभी दिन के टाइम पे धूप बहुत तेज है, जो भी लोग काम पे लगे हैं उनके लिए अभी जूस पानी की व्यवस्था करते हैं। मैं आया हूँ अभी दुकान में, यहाँ से थोड़ा बहुत सब्जी लेकर जानी है, पापड़ वगैरह, क्योंकि ना जो काम पे लगे हैं उनके लिए खाना भी बनाना है। खाना तो मुझे लग रहा है जब छत पड़ जाएगी शाम को 5-6 बजे के आसपास तभी हो पाएगा, तो सारी व्यवस्था तो हमें करनी ही करनी है। जूस भी 5 लीटर वाला एक कैन आता है जूस का, बुरांस और माल्टे का, तो वो तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। और अभी हमें जाना पड़ेगा यहाँ से ठीक सामने अक्तोली धार तक। अभी हम लोग गांव से 1.5 किलोमीटर आगे आए हैं अक्तोली धार में, यहाँ पे हमें जूस मिल गया है। आजकल यात्रा का टाइम है तो हर किसी ने बुरांस और माल्टी का जूस रखा रहता है। अभी कैलाश की ड्यूटी लगी है सबको ककड़ी बांटने की, पहाड़ी खीरा। अभी ब्रेक टाइम पे सबको खीरा और माल्टी का जूस पिला दिया है, ऐसे गर्मी वाले मौसम में तो ये सबसे जरूरी है भाई। दिन के अभी 3 बज गए हैं, यहाँ पर हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इस वाले पतीले में चावल रखा है तो चावल को भी चेक कर लेते हैं एक बार कि हुआ है कि नहीं। थोड़ा 5 मिनट रहने। यहाँ पे पापड़ और इस वाले पतीले में दाल है और यहाँ पर सब्जी बनकर भी तैयार हो रखी है, ये देखो जी। शाम के अभी 4 बज रहे हैं, यहाँ पर 2 तगार बनाई थी 70 पट्टों की, कुछ मसाला इस वाली जगह पे बनाया था और कुछ यहाँ पे जो कि समाप्त होने वाला है। अब फिर से ना तगार बनानी पड़ेगी, तो अच्छी बात यह है कि जो मटेरियल है वो भी बिल्कुल यहाँ पास में है। खाना भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है तो एक बार ये यहाँ पर तगार बनाएंगे, इसके बाद जो ये काम पे वाले भाई हैं इनको भी खाना खिलाना है। और देखो भाई आज हमारे यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हमारे। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं, पूरा मसाला अभी समाप्त हो गया है। अब थोड़ा सा एक ब्रेक लिया जूस का और इसके बाद इनको खाना भी खिलाना है। बाकी आज यहाँ पे खूब सारा खाना बना हुआ था, ये हैं हमारे मिस्त्री भाई के लड़के अभिनव और मूर्ति, तो इनको भी यहाँ से अभी थोड़ा बहुत खाना दे दिया है, ये भी स्कूल से आए होंगे। छोटे बच्चों और महिलाओं को तो अभी खाना खिला दिया है, अब बच्चे हैं छत डालने वाले और हम लोग। अंशु भूख भी लगी? नहीं लग रही, पर पापड़ खाने का मन कर रहा। बीच में तो एक बार भूख लग रही थी लेकिन अब हो गया बेटेम, मतलब ओवर टाइम। और मुझे लगता है अभी खाना भी एकदम ठंडा हो गया होगा, तो यहाँ पर थोड़ी देर में आग जलानी है, ये दाल एकदम से बढ़िया गर्म कर लेंगे। बीच बीच में यहाँ नीचे चेक करते रहना होगा, जो भी ये टेक लगे हैं ये कहीं ढीले ना पड़ जाए, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, नहीं तो पूरा छत बेकार हो जाएगा।
अभी आधा से भी ज्यादा छत पड़ चुकी है, बस थोड़ा सा ही उधर साइड बचा हुआ है। बाकी देखो भाई, यहाँ की धूप भी चले गई है, और जब धूप जाती है ना तो सामने की तरफ पहाड़ों पे कुछ इस तरह से जाती है आजकल सर्दियों के टाइम पे। और मुझे लगता है अभी भी 3-4 घंटे का काम और होगा, अगर कंटिन्यू लगे रहेंगे तो रात के 7-8 बजे तक काम पूरा हो पाएगा। हमारे घर के चारों तरफ ये हरे भरे खेत हैं मंडुए के, और गांव की महिलाएं देखो आजकल मंडुए की लवाई पे लगे हुए हैं। अभी टाइम बहुत हो गया है, तो अब इनके साथ ना हम भी थोड़ा बहुत तगार बनाने में मदद करते हैं। ये है मजदूर का ताज। बाकी अंशु ने भी टोपी पहन ली, और यहाँ कैलाश भी लगा हुआ है। शाम के अभी 6 बजने वाले हैं, थोड़ा बहुत तगार बनाने में हम लोगों ने भी मदद की। बाकी यहाँ पर देखो भाई, अभी भी काम लगा हुआ है, बाकी ये वाली तगार तो बन गई है। और देखो भाई, अभी सनसेट भी होने वाला है, तो यहाँ पे अभी लाइट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। काम को देख के तो लग रहा है कि रात के 8 बजे तक ये वाला काम चलेगा। और अभी यहाँ पे अनु भाई और ऋतिक भी आए हैं, अभी एक बड़ी सी लाइट की व्यवस्था तो कर दी है, इससे ना यहाँ नीचे पे काम चल जाएगा। एक ऐसी लाइट की व्यवस्था ऊपर छत के लिए करनी है। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि छत पड़ने में इतना टाइम लग जाएगा। सुबह ना एक तो थोड़ा सा लेट से आए, और दूसरे में ना जो सीढ़ी है उसको बनाने में टाइम लगा। मुझे लगता है लगभग 9 बजे के आसपास तक पूरी छत पड़ जाएगी। देखते हैं भाई, हम भी पूरा सहयोग दे रहे हैं उनको, जितना हमसे हो सकता है उतनी उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी अभी वो लोग खाना खाने लग गए हैं, इसके बाद सीधे लग जाएंगे फिर से काम पे। कामभर वालों को खाना खिलाने के बाद अभी काम फिर से स्टार्ट हो गया है। यहाँ सीढ़ी लगाई, सीढ़ी में भी प्रॉपर लाइट है ऊपर तक, और एक लाइट ऊपर छत में लगाई है। बस अब जरूरत है काम कंटिन्यू चलता रहे, इसके बाद ना लगभग 9 या 10 बजे के आसपास तक छत पड़ जाएगी। ये लो, हाथ पे लगा दो, जहाँ पे वो हो रखा है ना वहाँ पे लगा दो। अभी भाई जी के हाथ पे ना लेंटर डाल के अभी सीमेंट से जल गया थोड़ा सा, तो अभी सरसों का तेल दिया है हाथ पे लगाने के लिए। रे रामो, मेरे को ले क्या काम? काम तो सारे भाई अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन ना थोड़ा सा आदमी कम लेकर आए हैं। मैंने पहले भी बताया था इनको कि आदमी ज्यादा लेकर आना। ये आए 12-13 लोग आए, ये मैंने कहा था कि 17-18 लोग अगर आते हैं तो जल्दी हो जाएगा काम। आप लोग कितने आए थे? 12। अब रात को ना कई बार लाइट भी जा रही है, तो लाइट की व्यवस्था भी करनी है, और साथ में यहाँ नीचे से एकदम ध्यान देना है कि कोई भी टेक ढीला ना हो। देखो जी, अभी रात के ठीक 11 बज गए हैं, अब बस थोड़ा सा ही यहाँ पर काम बचा हुआ है। रात के अभी 11:30 हो रहे हैं, अब जाकर जो हमारी छत का काम है वो पूरा हुआ है भाई, पूरी छत अभी पड़ गई है। बाकी ये पूरा जो भी काम पे वाले थे उनके सहयोग से पूरा हो पाया, जो भी रिश्तेदार हमारे यहाँ पे आज आए थे जिन्होंने यहाँ पे काम किया, उन सब के सहयोग से पूरा हो पाया है, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ बाहर पे हमने चूल्हे लगाए हैं, तो यहाँ पर खाना गर्म हो रहा है, जो भी काम पर वाले हैं वो सब खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत रात हो गई तो इतनी रात को उनको खाना कहाँ ही मिलेगा, तो हमने सोचा उनको यहाँ से खाना खा कर ही घर के लिए भेजेंगे। इस पे है दाल, और इस पे है जीरा फ्राई चावल। रात के अभी 1:15 हो गए हैं, सारे लोग चले गए हैं भाई अभी अपने अपने घरों के लिए। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत सीमेंट इधर उधर फैला हुआ था, और जो भी औजार थे ना उस सारे उन पे सीमेंट लगा हुआ था, तो सारा साफ किया। चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय जय उत्तराखंड, बाय।